नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लॉजिकल इंजीनियर सुधीर कुमार एक बार फिर से अगले टॉपिक को लेकर आया हूँ। इस टॉपिक को इसमें हम लोग बात करेंगे रॉ मटेरियल्स के ऊपर, फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस में लगने वाले रॉ मटेरियल्स के ऊपर। तो इसमें जो पहला रॉ मटेरियल है वो है फ्लाई एश या पॉन्ड एश। फ्लाई एश शायद आप लोग जानते हों, पॉन्ड एश शायद ना जानते हों। तो फ्लाई एश और पॉन्ड एश के ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। पहले अभी आप फ्लाई एश और पॉन्ड एश दोनों को एक ही समझो, दोनों एक ही जगह से थर्मल पावर प्लांट से मिलता है और सरकार ने इसके लिए सर्कुलर दिया हुआ है कि सभी थर्मल पावर प्लांट्स को अपने टोटल फ्लाई एश जनरेशन का 20% हिस्सा ब्रिक या ब्लॉक मैन्युफैक्चरर्स को अवेलेबल करवाना है विद ट्रांसपोर्टेशन 300 किलोमीटर के रेडियस तक। ये बातें हमने पहले ही बता रखी हुई हैं। तो आप समझो कि जो रॉ मटेरियल है उसमें जो कम से कम आपको टोटल एक ईंट के वजन का 60% मतलब 50% से अधिक आपको कम से कम 51% आपको फ्लाई एश डालना होगा, तभी गवर्नमेंट उसको फ्लाई एश ब्रिक्स कंसीडर करेगी। उसके बाद 30% सैंड डालना पड़ता है और 10% ओपीसी सीमेंट डालना पड़ता है। ये स्टैंडर्ड रेसिपी है जिसको आप कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब आपको जानकारी हो जाएगी बिजनेस के बारे में, जब आप अच्छे तरीके से बिजनेस को जानने लगेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए कि जिस जगह पे हमारे ही कस्टमर्स के लिए नहीं, आप भी जब आपको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज हो जाएगा तो आप भी फ्लाई एश या सैंड जो महंगा प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ चूंकि सैंड महंगा आता है तो इसके वजह से हम लोग सैंड को कम कर देते हैं और फ्लाई एश को बढ़ा देते हैं। लेकिन जिन जगहों पर सैंड सस्ती है, जैसे कोयलवर का एरिया हो गया, अरवल हो गया, औरंगाबाद हो गया, या चाहे जहानाबाद हो गया, गया हो गया, तो इन सब एरिया में आप सैंड को 50% तक डाल सकते हैं। 40-50% आप सैंड डाल सकते हैं, वहाँ आपको थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी सस्ता आएगा और ईंट में स्ट्रेंथ भी अच्छी आएगी। तो ये फ्लाई एश और सैंड या स्टोन डस्ट, सैंड किसी भी प्रकार का आप लगा सकते हैं, कुछ भी जो सिल्का हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोर्स होना चाहिए, सिल्क नहीं होना चाहिए, मिट्टी का अंश नहीं होना चाहिए, मिट्टी नहीं होना चाहिए क्योंकि सीमेंट है तो स्ट्रेंथ नहीं आने देगा। तो एक वो है। दूसरा, आप लोग लाइम और सीमेंट को लेकर कंफ्यूज होंगे, चूना और जिप्सम भी यूज़ किया जाता है बहुत सारे जगहों पे, इंटरनेट में, सोशल मीडिया में चूना और जिप्सम यूज़ करने को रिकमेंड किया जाता है। तो ये बातें मैं आपको क्लियर करूँ कि चूना उन जगहों के लिए है जिस जगह पे चूना सस्ता हो, सस्ता आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन कम लगे। हम लोग ऐसी जगहों पे हैं, जिन जगह पे हम लोग हैं तो यहाँ आपको चूना मंगवाने का कॉस्ट कम से कम 10-11 रुपये किलो का आएगा ट्रांसपोर्टेशन के साथ में। वहाँ मिलता तो सस्ता ही है, 2-2.5-3 रुपये किलो मिलता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन आपको 5 रुपये किलो कम से कम 6 रुपये किलो पड़ेगा, 7 रुपये किलो पड़ेगा, तो वो 10-11 रुपये किलो बैठेगा उसका जो लैंडिंग कॉस्ट होगा चूना का। और सीमेंट आपको यहाँ 8 रुपये किलो में मिल रहा है, मान 400 रुपये बैग में मिल रहा है। सीमेंट डायरेक्ट एक्शन करेगा, सीमेंट जल्दी सेटिंग करेगा, तो इस वजह से भी हम लोग सीमेंट ही प्रीफर करते हैं। और उसके साथ में आप तो तीन रॉ मटेरियल हो गया, एक फ्लाई एश हो गया, सैंड हो गया बालू, और ओपीसी सीमेंट, चौथा जो है वो आप एडिटिव यूज कर सकते हैं। एडिटिव मीन्स जिसको आप हार्डनर भी बोलते हैं, हार्डनर को यूज करने से थोड़ा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ता है, सेटिंग टाइम रिड्यूस होता है और ईंट जल्दी पक के तैयार हो जाता है मार्केट में डिस्पैच के लायक। तो इससे क्या होगा कि आपका जो साइकिल टाइम है, मटेरियल स्टॉक करने का जो टाइम है, वो सब चीज़ वो घट जाता है। तो और सीमेंट भी एक तरीके से बाइंडिंग मटेरियल और ओपीसी सीमेंट खासकर, तो एक बाइंडिंग मटेरियल के साथ साथ एक तरीके से ये एडिटिव भी है, ये फास्ट सेटिंग करता है, इसलिए ओपीसी सीमेंट यूज़ करते हैं। और दोस्तों पीपीसी सीमेंट पे खास बात कहूँगा, रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ तो इस बात को थोड़ा सा एलाबोरेट करके बताऊँगा कि आपको किसी भी हालत में पीपीसी सीमेंट के ऊपर ईंट नहीं बनाना चाहिए। कुछ भी कर लेंगे आप, कितना भी परसेंटेज डाल देंगे आप, आपको वो स्ट्रेंथ नहीं आएगा, आपके ईंट का कोर झरेगा, जिससे आपके कस्टमर आपके ईंट की तरफ से मतलब उनका ट्रस्ट लूज होगा। तो ऐसा मत करना, पीपीसी से मत बनाना, मैं कहूँगा स्लैग सीमेंट से भी मत बनाना, उसमें भी स्ट्रेंथ आपको मन मुताबिक नहीं मिलेगा। ओपीसी सीमेंट खोजना, कंपनी के अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा, आपके जीएसटी पे आपको सीमेंट मिलेगा। अगर अकेले इतना क्वांटिटी अगर रैक से नहीं बाय रोड ला रहे हैं तो एक मजबूरी होती है कि आप 1000-1200 बैग से कम नहीं मंगवा सकते। ये रैक मतलब ऑन रोड के साथ में ये समस्या है। वैसे रैक हर जगहों पे, हर मेन जगह पे जहाँ रैक आता है
उन सब जगहों पे आप सीमेंट कंपनी वालों से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि ओपीसी का रैक आ रहा है, चूंकि ओपीसी इतना मात्रा में खपत नहीं था पहले अपने लोगों के एरिया में, तो इसके वजह से ओपीसी सीमेंट का रैक नहीं आता था। जैसे जैसे यहाँ खपत बढ़ना शुरू हुआ है तो रैक भी रेगुलराइज होना शुरू हुआ है सभी कंपनियों का, प्रिज्म का, चाहे इंडिया बुल का। और हाँ, खास बात यह कि आपको 53 ग्रेड सीमेंट पहले खोजना है। इंडिया बुल का सीमेंट आता है वो काफ़ी अच्छा 53 ग्रेड का होता है। 53 ग्रेड का कोई भी सीमेंट होगा तो वो अच्छा ही होगा, और ना मिले तो 43 ग्रेड भी अच्छा है पीपीसी सीमेंट यूज़ करने से। तो आपको सीमेंट ओपीसी यूज़ करना है, फ्लाई एश यूज़ करना है, सैंड यूज़ करना है, सैंड साफ़ सुथरा होना चाहिए, दानेदार होना चाहिए, तो आपके ईंट में अच्छा स्ट्रेंथ आएगा। तो आज इसी टॉपिक को लेकर के इस वीडियो को बनाया है। तो रॉ मटेरियल में अब इसको बहुत ज़्यादा ये नहीं करेंगे, बस रॉ मटेरियल इतना ही है, इसमें कुछ है नहीं, बस उसके मिक्सिंग का और अच्छे तरीके से पानी मिक्सिंग का आपको तरीका जानना होगा, जो पिछले वीडियो में हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताया। तो आपको उसी तरीके से मेन आपको उसके ड्राई क्यूरिंग के ऊपर और मिक्सिंग के ऊपर, इन दो चीज़ों के ऊपर खास ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी रॉ मटेरियल की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना होगा। ईंट आपका निश्चित ही अच्छा बनेगा। और इस वीडियो को बस और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। हमारी कंपनी द ग्रीन इंजीनियर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इस फील्ड में आपको एक बिजनेस, इस बिजनेस के स्थापना से पूर्व, स्थापना के समय और स्थापना के बाद जिन सभी सर्विसेज की ज़रूरत होती है, जैसे आपके ज़मीन का सिलेक्शन, आपके लिए बजट का मतलब एक बजट फिक्सेशन करना कि आप प्रतिदिन कितना ईंट बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा, ये अगले वीडियो में बात करेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर। इसलिए बस एक इंट्रोडक्शन के लिए कि अगला वीडियो इसके ऊपर बना रहा हूँ कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं आपका दोस्त द लॉजिकल इंजीनियर सुधीर कुमार, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, किसी तरह की कोई जानकारी ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, किसी भी समय मतलब अनऑफिशियल टाइम में मत करना भाई, किसी भी टाइम में आप हमसे मैसेज करके आप अपना जो क्वेश्चन होगा वो आप डाल देना। इस बिज़नेस को करने से पहले एक बार हमसे बात ज़रूर करना, एटलीस्ट मैं आपको सही सलाह दूंगा, अच्छे से बिजनेस स्थापित करवाऊंगा, मार्केटिंग में भी आपका हेल्प करूंगा। मैं आपका दोस्त द लॉजिकल इंजीनियर सुधीर कुमार।